अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जी रेसिपी है तड़कता भड़कता देगी कोरमा। चलें जी फटाफट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जी इंग्रेडिएंट्स आ गए कोरमा बनाने के लिए। मैंने 750 ग्राम्स बीफ लिया था, आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। उसके बाद दो मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टी स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 कप दही। उसके बाद जो साबुत गरम मसाला होता है ना, सारा कुछ, बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची, वो हम लोगों ने सब थोड़ा थोड़ा सा ले लेना है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, प्याज को काटना है स्लाइसिस में, और प्याज को इतना बारीक काटना है जितना इसको बारीक काटने का हक होता है। इसको हम लोगों ने 3 कप ऑयल में फ्राई करना है, और प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, उस पॉइंट पर हम लोगों ने प्याज को ऑयल में से निकाल लेना है और इसको पंखे के नीचे रख देना है हवा लगाने के लिए, ताकि ये थोड़ी सी कड़क हो जाए। उसको फिर हम लोगों ने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। अब जी उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हम लोगों ने प्याज फ्राई करी थी, उसके अंदर सारा गर्म मसाला डालेंगे, उसको 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ये जी फ्राई कर लिया, उसके बाद दही डालेंगे। दही डालते के फौरन बाद सारे स्पाइसेस डाल देंगे। उसके बाद इसमें चम्मच चलाएंगे और हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसके दही के लम्स ना बने। ठीक है जी, और आग हम लोगों ने तेज़ कर देनी है ताकि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर गोश्त डालना है, और गोश्त डालने के बाद 25 मिनट्स के लिए हम लोगों ने इसको पकाना है, क्योंकि मैंने कुकर में पकाया था तो मेरा 25 मिनट्स में गोश्त टेंडर हो गया था। अगर आप लोग पतीली में बना रहे हैं तो आप लोगों को 60 मिनट्स लग जाएंगे, 60 to 70 मिनट्स। 25 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको टाटा कर देना है। ये जी 25 मिनट गुजर गए, हम लोगों ने नीट चेक किया और ये टूट गया। ठीक है जी, अब हम लोगों ने आग तेज़ कर देनी है ताकि गोश्त का जो मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो जाए। ये जी भुनाई की तरफ आ गया सालन। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उस पॉइंट पर हम लोगों ने इसके अंदर 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डालना है, दोनों मिक्स करके, और जो प्याज थी फ्राइड अनियन उसको चॉप करके डालना है, और इसको 10 मिनट के लिए हम लोगों ने पका लेना है। ठीक है जी, जब कोरमे की भुनाई हो जाएगी, हम लोगों ने चूल्हा बिल्कुल दम वाली आग पे कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए दम लगाना है। दम लगाने के बाद कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जी ये है कोरमे की फाइनल लुक। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।